के ऊपर एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये वीकली एनालिसिस रहेगा, होल्डिंग बेस्ड एनालिसिस रहेगा। काफ़ी दिन से देखोगे तो आपको क्रूड ऑयल में गिरावट नज़र आ रही है। बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके यहाँ पे फंस चुके होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो के अंदर आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि आप जहाँ पे बाय करके बैठे होंगे उनकी पोजीशन आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, और आने वाले दिनों में कहाँ तक टारगेट आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइम विजिट करें, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, और डेली बेस के ऊपर आपको इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉलर्स के भी लेवल्स प्रोवाइड कराता हूँ, और साथ में साथ एमसीएस के भी आपको यहाँ पे लेवल्स मिलते हैं। जो एक्यूरेसी रहने वाला है वो 95% से अबो रहने वाला है। पूरे महीने भर में आपको 2 से लेकर 3 स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, बाकी उसके अलावा आपको पूरे टारगेट हीट करते हुए देखने को मिलेंगे। रही बात क्लोजिंग बेस पे देखोगे तो 5726 के आसपास क्लोजिंग हो चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 100 पॉइंट की जबरदस्त बाइंग आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे, यहाँ से ट्रेंड की बात करेंगे तो देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा, क्लियर कट देख सकते हो इस रेंज के अंदर कितने दिन से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, मार्च से लेकर फरवरी के बीच में देखोगे तो 6200 का अपसाइड का रेंज और 5500 का डाउनसाइड का रेंज, इसी 500 से लेकर 600 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा था। फिर एक थोड़ी सी रैली देखने को मिली, और रैली लगभग देखोगे तो 6700 तक आपको रैली देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सेम गिरावट आई और उसी रेंज के अंदर अभी काफ़ी दिन से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अपसाइड का रेंज देखोगे तो 6200 के आसपास, और डाउनसाइड का रेंज देखोगे तो 5500 के आसपास। ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, साइडवे जोन में ट्रेडिंग करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये जो एनालिसिस बता रहा हूँ डेली कैंडल के बेस के ऊपर बता रहा हूँ। अभी ये देख लीजिए, मई की बात है, जून भी ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे लगभग पूरे 2 महीने का ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो पूरे 500 पॉइंट के बीच में आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे मैं लगाता हूँ अभी 4 आवरली कैंडल के बेस के ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से बाय बन सकता है क्या। तो देख लीजिए, क्लियर कट देख सकते हो 5500 का, जब भी ये लेवल्स के आसपास आता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। तो इस टाइम पे भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिल्कुल बढ़िया सपोर्ट लेके हुए यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 5780 के ऊपर ये सस्टेन करता है, 5800 हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो बिल्कुल आप बाई की पोजिशन बना सकते हो। आने वाले दिनों में जो अपसाइड के 200 पॉइंट की रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड करते हैं, आने वाले दिनों में 5800 के ऊपर ट्रेड लेते हो तो आने वाले दिनों में 6000 टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट 6000 का, सेकंड टारगेट 6200 तक के लिए भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। ध्यान में रखना 5800 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, कम से कम 1 घंटा कम से कम वहाँ पर सस्टेन होना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर बाइंग की पोजिशन प्रेफर कर सकते हो। क्या हम इस लेवल पे सेल की पोजीशन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इस लेवल पे कोई भी सेल की सलाह बिल्कुल नहीं है। जब तक ये 6200 से लेके 6000 के रेंज में नहीं जाता तब तक आप पोजीशन ऐड भी मत करिए जो आपकी सेल की पोजीशन है, और फ्रेश की सेल भी पोजीशन मत बनाइए। फ्रेश की सेल कब बनाएगा? 5500 के नीचे सस्टेन करेगा तब आप सेल की पोजीशन बनाइए, या ये अपसाइड 6200 से लेके नया एक हाई लगाता है 6300 के आसपास, तभी आपको सेल की पोजीशन प्रेपर करना चाहिए। तो ये एनालिसिस रहेगा आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल के ऊपर। जो एनालिसिस बता रहा हूँ टेक्निकल बेस के ऊपर बता रहा हूँ, सपोर्ट देख सकते हो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे 5800 के आसपास निकल के आ रहा है। वो सपोर्ट ब्रेकआउट करता है तो आने वाले दिन 5800 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है स्मॉल ड्यूरेशन के लिए। वो ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में 6200 तक भी टारगेट आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी आपके पास बाय की पोजीशन है तो इस लेवल पर एवरेज भी कर सकते हो। एक एवरेज की पोजीशन यहाँ पे बनती है और विद द टारगेट ऑफ 6200। अभी बात करेंगे डब्ल्यू टी आई क्रूड ऑयल में भी काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं। लाइव मार्केट में 69.80 मतलब लगभग 70 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 70 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कि काफ़ी दिन से देखोगे तो इस रेंज के अंदर ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में आपको कम से कम 72 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 72 के टारगेट के लिए आपकी जो बाय की पोजीशन बनती है कम से कम 70 के ऊपर ये सस्टेन होना जरूरी है।
अभी लाइव मार्केट में देखोगे तो 1% की जबरदस्त बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हो सके आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म का व्यू है और अभी यहाँ पे आप बाय करके बैठे होंगे और आपको लॉस हो रहा है, तो अभी आप एवरेज मत करिए। आपको एवरेज करना है तो 68 का लेवल आने दीजिए, तब एवरेज करिए। और जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो 70 के ब्रेकआउट के ऊपर बाय की पोजीशन आप बना सकते हो। और आने वाले दिनों में शॉर्ट ड्यूरेशन पे 72 के टारगेट और 74 के भी टारगेट के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हो। क्या हम इस लेवल पे फ्रेश की सेल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, इस लेवल पे सेल की पोजीशन नहीं बनती। थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज करके आपको बाय के ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको 72 से लेकर 74 के रेंज मिलते तब आप सेल की पोजीशन बना सकते हो, या ये ब्रेकडाउन होने के बाद 67 का लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद तब आप सेल की पोजीशन बना सकते हो। इस रेंज के अंदर सेल की पोजीशन बनाने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक साइडवेज जोन है। मेरे हिसाब से आपको ब्रेकआउट के ऊपर बाय की ही पोजीशन प्रेफर करना चाहिए। और जो ऑलरेडी सेल की पोजीशन बैठी है अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो जब तक ये 74 का लेवल नहीं आता तब तक आप पोजीशन एवरेज भी मत करिए। तो कंप्लीट जानकारी मैंने क्रूड ऑयल के ऊपर बताने की कोशिश किया। फर्स्ट टाइम विजिट करिए, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की, और डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस एकदम फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉलर 24 आवर ट्रेडिंग होता रहता है विदाउट एक्सपायरी से। काफ़ी लोग डॉलर में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑक्टा एफएक्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।